तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है लाइट है, और हम लाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि प्रकाश, जिसके बिना जीवन शायद अधूरा अधूरा सा है। प्रकाश ही सब कुछ तय करता है, और हमारे प्रकाश सर रीडिंग पढ़ाने वाले हैं, वो भी हैं। चलिए ठीक, प्रकाश के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, लाइट क्या है और क्या क्या लाइट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम में बन सकते हैं, उनको देखेंगे। और लाइट के बिना जीवन तो अधूरा ही है, प्रकाश में होना चाहिए, अंधकार में जीवन वैसे भी नहीं होना चाहिए। और तैयारी एग्जाम की कर रहे हैं तो अंधकार से जीवन हटाने का ही प्रयास है एक तरीके से। सबसे पहली चीज़ अगर बात करें हम लाइट क्या है, तो लाइट एक ऊर्जा है। ठीक है, मेरे साथ थोड़ा सा लिखते चलिएगा तो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। लाइट क्या है? एक ऊर्जा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट एक एनर्जी के रूप में कार्य करती है। फिर दूसरा बनता है कि साहब लाइट का नेचर कैसा है, नेचर यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है। तो लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर का होता है, लाइट का ड्यूअल नेचर है। ठीक है, लाइट का जो नेचर होता है वो कण के रूप में भी है, ड्यूअल नेचर है बोलते हैं इसे, ड्यूअल नेचर है। और दूसरा आपका जो लाइट है उसका जो नेचर है तरंग के रूप में भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लाइट कण के रूप में भी कार्य करती है और तरंग के रूप में कार्य करती है, इसीलिए लाइट को ड्यूअल नेचर कहा जाता है, दो प्रकार का नेचर होता है लाइट का। फिर आती है बात लाइट के बारे में कि लाइट जो है ना, प्रकाश जो है इसकी चाल क्या है। तो प्रकाश की जो चाल है वो आपका 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड है। और अक्सर हम इस चाल को मानते हैं, किसकी चाल है ये आपकी, ये जो प्रकाश की चाल है ये निर्वात में है। प्रकाश की जो ये चाल है ये निर्वात की है, प्रकाश निर्वात में स्पेस में इस चाल से चलता है, इसकी गति करता है। फिर बनता है प्रश्न प्रकाश के बारे में ही कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है, सबसे कम किस में होती है। तो जो चाल का क्रम है वो क्रम अगर देखेंगे हम तो सबसे ज़्यादा वायु में होती है प्रकाश की चाल। इसके बाद आपका जो वायु के बाद अगर देखेंगे तो द्रव में, और द्रव के बाद ठोस में, ये क्रम होता है प्रकाश की चाल का। कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश है वो आपका तीन तरीके से तीनों माध्यमों में चल सकता है, और जब माध्यमों में चलेगा तो वायु में सबसे ज़्यादा चाल होती है, फिर द्रव में होती है, और फिर आपकी ठोस में इसकी चाल होती है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश जो है देखने के लिए वस्तु इसलिए दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश है, वस्तु को देखने में नहीं। ये तो बहुत ही सामान्य सा है, अच्छा इसमें कोई बहुत बड़ी जादू वाली चीज़ नहीं है। तो जो प्रकाश है आपका उसके लिए तो कंडीशन देख ही लिया, लेकिन प्रकाश के कई सारे और भी फिनोमिना है। प्रकाश के जो और फिनोमिना है इनके फिनोमिना के बारे में बात करेंगे। तो प्रकाश का एक फिनोमिना है जिसे हम कहते हैं परावर्तन, यानी परावर्तन एक प्रकाश का फिनोमिना है जो घटना होती है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रकाश के इस फिनोमिना के बारे में डिस्कस करेंगे, परावर्तन जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन, यानी क्या है हमारा, ये रिफ्लेक्शन है इंग्लिश में, इसी को हम रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा कॉम्पिटेटिव नेचर का जो एग्जाम में होगा उसमें क्या क्या प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं, ये हमारी प्रक्रिया होगी। अच्छा, इसके बाद दूसरा हमारा जो है प्रकाश का एक और हमारा जो फिनोमिना है वो है अपवर्तन, जिसे हम कहते हैं अपवर्तन, और ये होता है रिफ्रैक्शन। ये क्या है? रिफ्रैक्शन होता है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। अच्छा, रिफ्रैक्शन के बाद अगर और जाएंगे यहाँ पर तो प्रकाश का एक और फिनोमिना दिखाई पड़ता है आपका इंटरफेरेंस, इसको भी देखने वाले हैं इंटरफेरेंस। एक और फिनोमिना दिखाई पड़ता है आपका डिफ्रैक्शन, इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता रहूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, सारी चीजें हिंदी में ही डिस्कस करेंगे, नाम मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद और कौन कौन से यंत्र जो है इनका प्रयोग करते हैं, जैसे आपका देखा होगा माइक्रोस्कोप वगैरह हो गया आपका, इनका देखते हैं लेंसेज जो होते हैं यंत्रों में ही आ जाता है, किसी की आंख आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना दूर का दिख रहा है ना पास का दिख रहा है, ऐसी स्थितियों में फिर क्या लगाते हो आप, लेंस लगा लेते हो। अब ट्रक में लिखा हुआ बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, दिख ही नहीं रहा बुरी नजर वाले मुंह काला, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फिर लेंस लगा लेंगे, ऐसे स्थिति में हम इसको दूर कर सकते हैं। तो लाइट का ही कहीं ना कहीं रोल है, इसको देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो जाएगी, और जो बीमारियां हैं, बीमारियां यंत्र से दूर करेंगे तो उन बीमारियों को भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं कैसी कैसी कंडीशन है, और ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, ध्रुवण जिसमें एक टॉपिक होता है, ध्रुवण के बारे में देखेंगे, पोलराइजेशन जिसे कहते हैं हम, ध्रुवण पोलराइजेशन उसको भी देखने वाले हैं। ठीक है, इट्स जस्ट वेरी सिंपल, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार हमारा ये लाइट का टॉपिक है जिसको हम शुरू कर रहे हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है लाइट के बारे में। पहला जो हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो है परावर्तन,
जीवन में जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं लाइट की वजह से, उसका एक ही कारण है कि लाइट में एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसे हम परावर्तन कहते हैं, यानी कि परावर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग यहां से डाल लीजिए, परावर्तन। परावर्तन के बारे में बात करते हैं जिसे हम रिफ्रेक्शन कहते हैं। सबसे पहली चीज इसमें जो प्रश्न छोटे छोटे बनेंगे उनको देख लेते हैं। पहला कंडीशन, परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का मतलब है प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस आना, ही क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। वस्तु से प्रकाश का टकराकर वापस आना, वस्तु का प्रकाश, प्रकाश का वस्तु से टकरा करके, वस्तु से प्रकाश का टकरा करके वापस आना क्या है? परावर्तन है। जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है? मिरर है। मिरर, इसमें एक प्रकाश की किरण आती है और किरण आने के बाद क्या होता है? टकरा करके चला जाता है। और जब ऐसी घटना जो दिखाई पड़ती है मीडियम के उस पार नहीं जा पाता, ये क्या है? परावर्तन है, यानी कि रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है, सॉरी, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलेंगे, माफ कीजिएगा, रिफ्लेक्शन है। तो वैसे पढ़ाते पढ़ाते भेजा फ्राई हो जाता है इसका मतलब, ठीक है, लिखना कुछ चाहो लिख कुछ और जाता है। चलिए दूसरा, अब जो परावर्तन होता है, परावर्तन जिस वस्तु से टकरा करके आता है वो दर्पण के रूप में कार्य करती है। वो जरूरी नहीं कि दर्पण की तरह आपको दिखे, जो हम लोग मिरर देखते हैं, पर जिससे टकरा करके वापस आ रहा है वो दर्पण का रूप ले लेता है, यानी कि वो दर्पण हो जाता है। फिर प्रश्न बनता है कि टकरा कर जब वापस आता है दर्पण से, तो दर्पण जो होता है दर्पण के कई सारे प्रकार हो जाते हैं, तो हमें पढ़ना क्या? परावर्तन के नियमों के बारे में देखेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं परावर्तन के बारे में। तो यहाँ दर्पण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और दर्पण हम तीन प्रकार से पढ़ने वाले हैं। इसे हम एक को बोलते हैं प्लेन मिरर, इसे जो प्रश्न बनेंगे बस वही देखेंगे, और इसके बाद हमारा होता है एक उत्तल दर्पण जिसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण जिसे हम कहेंगे आपका कॉन्वेक्स मिरर, और एक होता है अवतल, यानी जिसे हम कहते हैं कॉनक्यू। ये तीन प्रकार की कंडीशन हमारी दिखाई पड़ेंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं परावर्तन के नियम के बारे में। तो परावर्तन का नियम क्या है इसको समझने के लिए डायग्राम से ही समराइज कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी हमें बहुत ज्यादा पढ़नी नहीं होती है। अब जब बात ही कर रहे हैं परावर्तन के नियम के बारे में, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, बहुत ही आसान नियम है। पहला नियम क्या है परावर्तन का, इसको देख लेते हैं, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ जिसे हम कहते हैं सेकेंड लॉ, जो कि बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड क्लास 9 10th वगैरह पढ़ाया जाता है, लेकिन क्योंकि कंपटीशन में आता है तो छोटे छोटे नियम है कई बार भूल जाते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। तो प्रकाश का पहला नियम क्या है हमारा जो परावर्तन का, जरा देख लेते हैं भैया, परावर्तन का प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है परावर्तन का नियम? न्यूटन भाई साहब अक्सर इसमें भी खेल फाल करते हैं। न्यूटन ऐसे साइंटिस्ट हैं जो साइंस के किसी भी सेगमेंट को भौतिकी को छोड़ा नहीं, उन्होंने हर जगह चले गए, चाहे गति हो चाहे लाइट हो, हर जगह उन्होंने अपना रोल दिखाया हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहली चीज प्रथम नियम जो क्या कहता है, मान लेते हैं आपका ये एक दर्पण है, ठीक है, मिरर है, जिसमें हम सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों बार अपने चेहरे को देखते हैं सुंदरता का बखान करते हुए। एक ये लाइट की किरण आती है, ये दर्पण है, ये लाइट की जो किरण आती है इसे बोलते हैं आपका आपतित किरण हिंदी में, इसलिए मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, शायद हिंदी में थोड़ा बहुत मिस्टेक शब्दों का हो जाए, इंसिडेंट रे आकर के दर्पण में टकराएगी, जिस पॉइंट पर आकर टकराती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आयतित बिंदु कहा जाता है। अब बात यह है कि लाइट पार तो जा नहीं सकती है, फिनोमिना ही ऐसा है, तो टकराने के बाद लाइट क्या होती है? वापस लौट जाती है, जिसे हम कह देते हैं परावर्तित किरण। बस इतना ही समझाएंगे, इसके बाद हम एप्लीकेशन में आ जाएंगे जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी परावर्तित किरण की, क्योंकि प्रश्न जो बनेंगे उसको समझना हमारा उद्देश्य है, हमें थ्योरेटिकली बहुत नहीं जाना है। इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। इस सरफेस के सतह के 90 डिग्री पर एक आपका लाइन पास होती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक। ये घटना हुई, परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहता है कि इंसिडेंट रे
इसे हम कहते हैं आपतित किरण, नॉर्मल एवं परावर्तित किरण जिसे कहेंगे रिफ्रेक्टेड रे। परावर्तित किरण तीनों एक ही सतह पर पाए जाएंगे, पाए जाएंगे। इट जस्ट वेरी सिंपल थिंग, बहुत आसान है। क्या कहता है? ये कहता है कि जो आपतित किरण है इंसिडेंट रे है, और जो रिफ्रेक्टेड रे है जो जाकर टकरा के वापस लौट रही है, और नॉर्मल होगा ये सतह पर एक ही बिंदु पर पाए जाएंगे, आपतित बिंदु पर पाए जाएंगे। ये न्यूटन आपका रिफ्लेक्शन का पहला नियम था, द फर्स्ट लॉ। और जो दूसरा नियम क्या है, सेकेंड लॉ, वो भी देख लीजिए, उसके बाद हम सीधा पॉइंट में आ जाते हैं अपने। सेकेंड लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है कि यदि कोई भी रे आपतित किरण आई और परावर्तित किरण गई है, तो उनके द्वारा बनने वाला एंगल यानी कि आपतित कोण, जिसे हम आई से कहते हैं, आपतित कोण हमेशा नॉर्मल और आपतित किरण के बीच नापा जाएगा, और जो परावर्तित किरण है और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल होगा वो आपका परावर्तित कोण होगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा, जहां पर आई हमेशा बराबर होगा जा करके आर के। एंगल आई हमेशा बराबर होगा एंगल आर के, और ये नियम हमेशा फॉलो किया जाएगा, परावर्तित का दूसरा नियम है। बस इतनी सी जानकारी हमें रखनी थी, इसमें कोई बहुत ऐसा लॉजिकल नहीं है कि जो याद करने योग्य है। अब मुद्दे की बात क्या है, हम इसका यूज कैसे करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन को लगा सकें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला एक प्रश्न ये बनता है कि दर्पण बनता किससे है, एक प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, दर्पण किससे बनता है। तो दर्पण को बनने के लिए भी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, दर्पण के बनने के लिए प्रयोग किया जाता है जो ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ेगा, ग्लूकोज। यानी कि दर्पण को बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है, दिख रहा होगा ग्लास वगैरह तो होता ही होता है, लेकिन कंपोनेंट कौन सा यूज किया जाता है, तो उसमें ऑप्शन में आपको ग्लूकोज दिखाई देगा, कि कांच वगैरह नहीं दिखाई देगा वहां पर। फिर दूसरा जो प्रश्न मन के आता है ये कि अगर आपने देखा होगा कोई मिरर होगा, अगर आपने मिरर देखा होगा तो पीछे क्या होता है, पेंटिंग होती है, व्हाइट कलर की एक सिल्वरिंग कवरिंग लगी होती है। पूछा जाता है कि ये साहब किसकी बनी होती है, किस चीज का पेंट होता है, तो लिखिएगा दर्पण में। ये एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं, दर्पण में AGBR का पीछे पेंट किया जाता है, ये दो प्रश्न बहुत कॉमन है जो दर्पण के बारे में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यानी खासकर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, तीसरा इससे रिलेटेड, प्लेन मिरर से रिलेटेड ही और कौन सा प्रश्न बन सकता है जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट एग्जाम में आने के लिए जैसे मान लेता हूं मैं ये आपका दर्पण है, ठीक है, दर्पण है हमारा, एक वस्तु रखी हुई है यहां पर, ठीक है, ये वस्तु है और इसके बीच की दूरी कितनी है, एक्स। अगर कोई वस्तु, अभी छोटे छोटे पॉइंट है, अगर कोई वस्तु दर्पण में, जो हमारा प्लेन दर्पण मिरर है, प्लेन मिरर में एक्स दूरी पर रखा है, एक्स दूरी पर रखा है, तो भैया इसकी इमेज जो होगी, प्रतिबिंब जो बनेगा जाके, वो भी एक्स दूरी पर ही दर्पण से बनेगा, एक्स दूरी पर दर्पण से बनेगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि कहने का मतलब है अगर कोई वस्तु 10 मीटर दूरी रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, 10 मीटर दूर दर्पण से बनेगा, तो वस्तु और इमेज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2x। अच्छा, दूसरी कंडीशन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कोई वस्तु है जो दर्पण की तरफ आप सेंटेंस समझिएगा, मैं सेंटेंस पूरा लिख नहीं रहा हूं इसीलिए, दर्पण की तरफ वी स्पीड से चली जा रही है, कितनी चाल से, वी चाल से चल रही है, बहुत आसान है भी। अगर कोई वस्तु दर्पण की तरफ वी चाल से चल रही होगी तो उसका प्रतिबिंब जो आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि प्रतिबिंब जो दिखाई पड़ता है वो कितनी स्पीड दिखाई पड़ता है, वो 2v यानी कि डबल चाल से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक तो ये ध्यान रखना हमें, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु आपका प्लेन मिरर में रखा हुआ x दूरी पर, तो इमेज आपकी x दूरी पर बनेगी जाकर के, आपका वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछी जाए, ध्यान रखना 2x हो जाएगी। अगर कोई वस्तु है जिसकी चाल आपकी v है और दर्पण की तरफ आ रहा है, तो उसके बनने वाली जो प्रतिबिंब होगी वो 2v चाल से प्रतिबिंब आपका दर्पण की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। पहला तो सिंपल है, बहुत आसान है। अच्छा, इसी में एक और चीज ध्यान रखिएगा जो कि पूछ लेता है सामान्यता, कि किसी भी वस्तु को पूरा देखने के लिए दर्पण में दर्पण की कुल कितनी लंबाई होनी चाहिए, यह भी एक समानता प्रश्न पूछ लेता है।
तो किसी वस्तु को पूरा देखने के लिए, वस्तु को पूरा देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई होगी कितनी होनी चाहिए, दर्पण की जो लंबाई होती है वस्तु की आधी होनी चाहिए, 1/2 बराबर वस्तु की लंबाई। अगर किसी वस्तु को पूर्णतः आपका दर्पण में देखना है तो उस वस्तु की आधी लंबाई होगी तभी आपका दिखाई पड़ेगा, वरना पूर्णतः नहीं दिखाई पड़ेगा। एक तो ये ध्यान रखना। अच्छा, इसी के साथ में यहां पर मैं एक और चीज आपको ऐड कर देता हूं, जो कि ये भी एग्जाम में बनते हैं जाकर के, नंबर ऑफ इमेजेस, एक ये कंडीशन बन जाती है, नंबर ऑफ इमेजेस। इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, किसमें, प्रेण मिरर की बात कर रहे हैं, यदि वो किस कोण पर रखे गए हैं, दर्पण जो है कोण पर, किस कोण पर रखा गया है, तो उसके बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या। दो दर्पण है, उनको हमने क्या कर रखा है, बेंड करके ऐसे रखा हुआ, और यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है। अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो एक मिरर आपका ये है और एक मिरर ये है आपका, ये तय होगा कि किस एंगल पर रखा हुआ है, उसके एंगल पर तय करेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, कोण पर किस कोण पर रखा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस बराबर कितनी होंगी, इसके लिए पहले में यह ध्यान रखना होगा किस कोण पे है रखी गई है, और 360 डिग्री से उसको डिवाइड कर देना। माना कि कोण जो है कितना है, थीटा है, 60 डिग्री हो सकता है, एग्जांपल भी दे देंगे तो क्लियर हो जाएगा, 90 डिग्री हो सकता है। माना कि हमने क्या है, इमेज 360 बाय थीटा, यानी कि उस कोण से डिवाइड कर दिया हमने, जो निकल के आएगा संख्या निकल के आएगी एक। अभी संख्या दो तरीके से आ सकती है, या तो एक ऑड नंबर आ सकता है, विषम संख्या आ सकती है, ठीक है, और या तो आ सकता है, मान लेते हैं संख्या क्या है, एन है, 360 में एंगल से भाग दिया, संख्या आ गई आपकी क्या, एन, यानी कि एन क्या है, दो चीज हो सकती है, या तो विषम संख्या हो सकती है या तो इवेन हो सकता है, सम हो सकता है, हो सकता भैया। और अगर विषम आपका आया है तो ध्यान रखिएगा जितने भी थीटा से डिवाइड करने पे 360 में आएगा वही बराबर हो जाएगा किसके, एन के। यानी कि अगर मान लेते हैं आपका 5 आया है एन से डिवाइड करने पे, तो 5 ही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इवेन वाले मामले में क्या फॉर्मूला होता है, एन माइनस 1 क्या हो जाती है, इमेजेस बनती है जाके, ये इमेज आपकी एन ही बन जाएंगी जाके, अगर नंबर आपका ऑड आया है, लेकिन अगर इवन आया है, सम संख्या आई है, तो उसमें एक कम कर दिया जाएगा। इट्स क्लियर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे देता हूं, मान लेते हैं कि कोई वस्तु रखी है दो मिरर के बीच में, जहां पर बनने वाला कोण है 60 डिग्री, तो आप तुरंत एन निकालोगे, 360 बाय 60 करोगे, बराबर 6 आया, अभी सम संख्या है तो नंबर बनने वाली इमेजेस कितनी हो जाएंगी, इमेज जो हो जाएंगी वो 5 हो जाएंगी, ये है मतलब इसका। क्लियर है? तो इस तरीके से जो प्रश्न बन सकते हैं प्लेन मिरर में इतने बन सकते हैं। हमने तीन प्रकार दर्पण की बात की, अभी मैं केवल प्लेन मिरर से बनने वाले प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, जो कि दर्पण में क्या क्या बन सकता है। पहली कंडीशन ध्यान रखिएगा, बनता किससे, ग्लूकोज आ चुका है एग्जाम में, AGBR का प्रयोग किया जाता है, पेंट के तौर पर वस्तु प्लेन मिरर के एक दूरी पर रखी तो एक दूरी पर उसकी इमेज बनेगी, वस्तु का दर्पण जो हमारी है, चाल जो है अगर हमारा वी चाल से आ रहा है तो उसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो आपका 2V चाल से आता हुआ दिखाई पड़ता है आपका। यदि वस्तु को पूरा देखने के लिए दर्पण की लंबाई 1/2 वस्तु के बराबर होनी चाहिए, और अगर तीसरी कंडीशन देखेंगे हम यहाँ पर, तो वस्तु का जो कोण है अगर वो थीटा है तो उस कंडीशन पर हमारा ध्यान रखना है कि अगर विषम आया है तो एक संख्या आपकी बराबर हो जाएगी, और सम आया तो एक कम हो जाएगा। इतना पर्याप्त है इसके लिए, इससे ज्यादा कुछ PhD करने की आवश्यकता अपन को है नहीं। आते हैं दूसरे रूप में, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा मामला क्या, गोली दर्पण। यानी कि अभी हम किसके बारे में, परावर्तन के बारे में ही बात कर रहे हैं, और परावर्तन में एक प्रकार का मिरर हो चुका है। मिरर में अगर हम देखेंगे तो दो प्रकार के मिरर दिखाए गए हैं, एक तो हमारा प्लेन मिरर है आपका, और दूसरा जो मिरर हमारा है वो है स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर में अगर आप जाते हैं, स्फेरिकल मिरर जिसे हम गोली दर्पण कहते हैं, और गोली दर्पण दो प्रकार से होते हैं, जिनमें से अगर हम बात करेंगे तो एक होता है आपका उत्तल दर्पण,
और दूसरा जो होता है अवतल दर्पण। क्लियर है? उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स और इसको कहते हैं कॉनकेव। मजे की बात है, ये जो आपका होता है इसको अपशारी दर्पण भी कहा जाता है और इसे अब ठीक है मैं लिख देता हूँ हिंदी में नाम, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ हिंदी में लेकर के, क्योंकि इंग्लिश वाला थोड़ा सा हिंदी वाला थोड़ा लोचा रहता है, बट जहाँ तक सही लिखा है इंग्लिश में इसे बोलते हैं आपका डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, हाँ सही लिखा हो, डाइवर्जिंग को ही कहते हैं अपशारी और अपशारी जो होगा इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। अब मामले पे आते हैं थोड़ा सा। अगर आप देखते होंगे अगर हम बात करें यहाँ पर कॉन्वेक्स के बारे में तो कुछ ऐसा आपका दर्पण दिखाई पड़ता है, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और अगर हम देखेंगे ऐसे, ये जो दर्पण दिखाई पड़ता है ये हमारा दिखाई पड़ता है आपका कॉनकेव, यानी कि चम्मच को अगर हम देख लें तो चम्मच अगर आपका है ये हमारा जैसे मान लेते हैं ये दर्पण के रूप में है, तो ये अंदर वाला चम्मच का जो हिस्सा है ये क्या है, ये अवतल है, यानी कि लाइट कहाँ गिरेगी, लाइट यहाँ गिरती इस तरीके से गिरेगी आकर के, ये हमारा पोर्शन हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसके बाहर की ओर, ठीक है बाहर की ओर देखेंगे चम्मच का जो बाहरी वाला हिस्सा होता है ये आपका अपशारी यानी उत्तल दर्पण के रूप में होगी, लाइट कहाँ फॉलो रहेगी, यहाँ फॉलो रहेगी। अब बात ये है कि यार हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न यहाँ बन सकते हैं, किस टाइप के प्रश्न बनेंगे, तो वो हमें पता होना चाहिए, तो जरा उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा इस गोली दर्पण में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है बार बार, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम एक को ले लेंगे तो दूसरे में भी वही शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ये जो दर्पण होता है इसका एक क्या होता है पोल होता है और एक इसका क्या होता है फोकस होता है, ठीक है फोकस भी जानते होंगे, मान लेते हैं फोकस एफ हो गया, फोकस हिंदी में वही कहते हैं फोकस ही कहेंगे। फिर इसका एक होता है सेंटर जिसे हम सी से लिखते हैं, ठीक है इसे फोकस दूरी कहते हैं, पोल और फोकस के बीच की क्या कहलाती है फोकस दूरी कहलाते हैं। और दर जो आपका सी है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल जो होता है इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है त्रिज्या दूरी यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, रेडियस त्रिज्या की दूरी। अब मुद्दे में आइएगा, मुद्दे में ये आना है कि चाहे वो आपका उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो दोनों में फोकस होगा तो फोकल लेंथ भी होगी। और मजे की बात यह है कि जो अवतल दर्पण होता है इसकी जो फोकल लेंथ होती है फोकस दूरी जो होती है वो कैसी होती है, वो ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। पहले तो इस तरीके से पॉइंट ध्यान रखिएगा, धनात्मक होती है यानी कि पॉजिटिव होती है इसकी, और आपकी अवतल दर्पण की कैसी होती है, नेगेटिव होती है। पहला तो एक ही क्लियर हो गया, क्लियर है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े उत्तल दर्पण के बारे में और अगर बात करते हैं तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो उत्तल दर्पण अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्रयोग मुख्यतः आपको जैसे दिखाया टॉर्च देखा होगा आपने, टॉर्च जो लाइट होती कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है आपका, यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, ये जो रिफ्लेक्शन यानी कि ये पीछे कवरिंग है, अब लाइट इसे पड़ती क्या होती है ऐसे निकलती हुई चली जाती है, लाइट पड़ेगी तो यानी कि चारों तरफ क्या करेगा फैलाएगा, इसलिए तो लाइट चलती है। यानी कि जो टॉर्च होता है टॉर्च में प्रयोग किया जाता है इस तरीके से अवतल दर्पण का। एक जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के बारे में ही, कि जो अवतल दर्पण है सोलर कुकर जो है ना उसमें किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, एक ये बनता है प्रश्न, तो लिख लीजिएगा सोलर दर्पण, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, एक ये ध्यान रखिएगा। अच्छा स्ट्रीट लाइट आपने देखा होगा, नहीं सॉरी स्ट्रीट लाइट की बात नहीं करता हूँ, बाइक की बात कर लेता हूँ, स्ट्रीट लाइट में तो उत्तल में चला जाएगा, बाइक के बारे में बात कर लेता हूँ। तो बाइक अगर आपने देखा होगा तो बाइक में जो हेडलाइट लगी होती है आगे की, हेडलाइट जो लगी होती है आगे की, हेडलाइट में जो प्रयोग किया जाने वाला दर्पण होता है वो अवतल दर्पण ही तो होता है, क्योंकि क्या होगा फिर वही चीज है, हमको रोशनी चारों तरफ पहुंचानी है आगे की ओर, स्ट्रेट ले जाना है ना किसी एक पॉइंट पे लेके आना है, ये जो मामला होगा ये भी आपका अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, ऐसे तो लाइट गिरेगी आकर के आगे वाले उसमें। लेकिन अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो आपका रियर व्यू मिरर के रूप में,
जितने भी गाड़ियां होती हैं उन गाड़ियों में जो बगल में शीशे लगे होते हैं वहां पर कौन सा दर्पण होता है, तो वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। देखिए इस पर बहुत डिस्कशन किया सकता है, अवतल उत्तर पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम इसी चीज को लेकर आ रहे होते हैं किसी ऐसे सब्जेक्ट में जहां पर साइंस ही सब्जेक्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे आईआईटी के बंदे तैयारी करेंगे तो लाइट में पीएचडी करो बैठे कोई दिक्कत नहीं है, एक एक महीने टॉपिक पढ़ा जाता है। हमें एग्जाम लेवल की कॉम्पिटिशन जो हमारा है उसमें जो इसका अप्लीकेशन पूछा जाता है, बस हम उसके मुद्दे की डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगला जैसे पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, कलर चेंज करके थोड़ा लिख देता हूँ। इसका यूज कहाँ है, जैसे हमने इसके यूज के बारे में बात कर लिया कि ये क्या है, यूजेज हैं भैया, तो इसका भी क्या है यूज, कहीं ना कहीं तो होगा। और उत्तल दर्पण का यूज क्या आता है, लिख लीजिएगा, रियर व्यू मिरर के रूप में, रियर व्यू मिरर के रूप में। रियर व्यू मिरर का मतलब क्या होता है, वही आपका गाड़ियों में, गाड़ियों में हिंदी में कुछ इसको बोलते हैं क्या स्पेशल, बगल में देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, सिंपल लिख लेना भैया, बगल में देखने के लिए, और प्रश्न में आपके सामने जो आएगा तुरंत पहचान लोगे गाड़ियों में लगे होते हैं। अच्छा इन्हीं का क्यों प्रयोग करते हैं, अवतल का क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसका रीजन है अवतल दर्पण जो होता है आगे देखने वाले हैं, ये सीधी भी इमेज बनाता है और उल्टी भी इमेज बनाता है, यानी अपोजिट इन्वर्टेड बनाएगा और इरेक्टिव बनाता है, तो ये सीधी और उल्टी दोनों बनाता है इमेजेस। लेकिन मजे की बात है जो हमारा उत्तल दर्पण होता है ये हमेशा सीधी इमेज बनाता है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए सीधी इमेज कौन बनाता है, तो उत्तल दर्पण सीधी इमेज बनाता है। फिर क्वेश्चन तो ये भी बन जाता है कि जो प्लेन मिरर है वो भी तो सीधी इमेज बनाता है, तो प्लेन मिरर कर लेते हैं, प्लेन मिरर क्यों नहीं किया, इतना सस्ता पड़ जाता आसानी से, लगा लेते गाड़ी में। तो फिर दूसरा प्रश्न आता है, दूसरा ये कि ये उत्तल दर्पण जो होता है सीधी तो बनाता ही है, साथ साथ में ये आपका ध्यान रखिएगा छोटी इमेज ही बनाता है। तो क्यों करते हैं ये भी ध्यान रखना, छोटी इमेज बनाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दो चीजें हैं जो कि अवतल एक तो उल्टी बना देता है, तो मामला खत्म हो गया। प्लेन समान हाइट का बनाएगा, ऊंचाई जो होगी वस्तु की समान होगी। तो आप यहां जाकर के बैक में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा इसमें, इस वाले मामले में, क्योंकि हम पढ़ रहे थे चाल में, वस्तु की ऊंचाई जो होता है प्लेन मिरर में वो बराबर होती है इमेज की ऊंचाई की। बराबर होगी इमेज यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई की, वस्तु की ऊंचाई जो होगी बराबर होगी प्रतिबिंब की ऊंचाई की, ध्यान रखिएगा। अच्छा वापस लौटते हैं, तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में चीजें समझ में आ रही, थोड़ी क्लियर हो रही। अच्छा एक और चीज है उत्तल दर्पण का प्रयोग करने का, क्योंकि सामान्य जो दर्पण होगा प्लेन मिरर वो केवल 180 डिग्री ही कवर करता है, ये 180 डिग्री से ज्यादा कवर कर लेता है, मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा कवर करेगा जाकर के, और यही कारण है कि इसका हम प्रयोग करते हैं। अच्छा उसके साथ ही साथ आपने देखा होगा जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, जो रोड के किनारे जो लाइट होती हैं, रोड के किनारे जो लाइट होती हैं, इन लाइट में प्रयोग किए जाने के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है आपका उत्तल दर्पण। उसका कारण क्या है, बहुत सामान्य सा है, जो लाइट होती है रोड, क्योंकि हमारी रोड की लाइट जो होती हैं, यहाँ पर अगर प्रयोग करेंगे बल्ब लगा होगा, मान लेते हैं ये बल्ब लगा हुआ है आपका, तो हमारा प्रकाश चारों तरफ फैलाना काम है, ये जो उत्तल दर्पण है अफसारी ये क्या करता है चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, तो इसलिए इधर भी लाइट जाएगी इधर भी लाइट जाएगी, चारों तरफ लाइट जाने का काम करेगी, और यही कारण है कि हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं यहाँ पर स्ट्रीट लाइट में। इतना पर्याप्त है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए, ठीक है यहाँ तक चीजें तो क्लियर हो रही हैं। और भी प्रयोग किया जाता है, जैसे अगर हम बात करें उत्तल दर्पण का, डॉक्टर्स वगैरह भी प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का, कहाँ प्रयोग किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, लिख लेना डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं, कहाँ पर प्रयोग करते हैं दांतों को चेक करने, बिल्कुल सही दांतों के चेक करने के लिए। होता क्या है कि आगे जब आप इमेजेस पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाता है कि क्यों ऐसा होता है, बस अभी इतना लिख लीजिए फिर हम बात कर लेंगे थोड़ा सा। तो एक तो ये चीज क्लियर हो गई, अच्छा आगे थोड़ा सा बात की जा सकती है चले तो यहां तक तुम्हारी कहानी पूरी क्लियर हो गई है। अब थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं, अवतल दर्पण जो होता है, इसकी इमेजेस जो होती हैं छह प्रकार से बनती हैं। अगर आप अवतल दर्पण में इमेज बनाएंगे तो छह प्रकार से बनती हैं, बहुत ही आसान है, मैं आपको तरीका बताता हूं, बस आप उसको रट लीजिए दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत आसान है। मैं माना कि ये मैंने क्या है एक अवतल दर्पण बना हुआ है, बहुत बड़ा अवतल दर्पण बना दिया मैंने, ये अवतल दर्पण बना हुआ है,
ये फोकस है, ये सी है। किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को रखने के छह तरीके हो सकते हैं। या तो वस्तु कहाँ रखी हो, इन्फिनाइट में, अनंत में रखी होगी। पहला कंडीशन क्या है, अनंत पे रखी होगी। अनंत का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर रख दो अनंत हो गई, ये मान लेते हैं ये वाली कंडीशन है पहली आपकी, अनंत पे रखी होगी। तो उसके बनने वाली इमेज जो बनती कहां पर बनेगी, फोकस पे बनेगी, सिंपल है। यानी कि अगर वस्तु अनंत पे रखी होगी तो बिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, क्लियर है। तो याद रखना है ना आपको, अगर ये अनंत पे रखी है तो फोकस बनेगा, अगर फोकस में रखा होगा तो कहां बनेगा, अनंत बनेगा, सिंपल है। छह याद रखना बहुत आसान है। अगर वस्तु रखी होगी अनंत में तो उसकी इमेज जो होगी कहां बनेगी, फोकस में बनेगी, यानी यहां बनेगी आकर के। और अगर आपका वस्तु फोकस में रखा है तो इमेज कहां बनेगी, अनंत में बनेगी। दूसरी कंडीशन, यानी दो कंडीशन हो गई दो जगहों की रखने की इसी में। और इसके बाद अगर हम बोलें कि दूसरी कहां रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है, सी पे रखा है, केंद्र में रखी गई है। और अगर केंद्र में रखी जाएगी तो उसकी इमेज कहां बनती है, वहीं बनती है जहां वो रखा गया है, केंद्र में ही, सेंटर में ही इमेज बनेगी जाकर के, जहां पर रखा हुआ है। तो चार कंडीशन, तीसरी कंडीशन हो गई। इसका चौथा ये देखिए बहुत आसान है, अगर वस्तु सी के पीछे रखी गई है, सी के पीछे रखी गई है, इसका मतलब क्या है, सी के पीछे रखने का मतलब यहां पे, इसके पीछे, अगर सी के पीछे रखी गई है तो वस्तु कहां बनेगी, सी और एफ के बीच। बहुत आसान है, सी के पीछे रखी जाएगी तो वस्तु कहां बनेगी, सी और एफ के बीच। ध्यान रखें, सी के पीछे रखी गई तो कहां बनेगी, सी एंड एफ के बीच। और मजे की बात यह है कि अगर वस्तु सी के पीछे रखी गई तो यहां बन रही है, और अगर वस्तु आपका, इस बार हमने कहा वस्तु को सी और एफ के बीच रख दो, यानी सी और एफ के बीच रख दिया जाएगा तो वस्तु कहां बन जाएगी, सी के पीछे बन जाएगी, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। पांच कंडीशन हो गई, यानी कि वस्तु अनंत में होगी तो फोकस बनेगी, सेंटर में रखी होगी तो सेंटर बनेगी, फोकस में होगी तो अनंत बनेगी। वस्तु अगर सी के पीछे रखी गई होगी तो सी और एफ के बीच में बनेगी, अगर सी और एफ के बीच में रखी गई होगी तो कहां बनेगी, सी के पीछे बनेगी। और आखिरी कंडीशन छठवीं वाली, ये वो है कि जो एफ और पी पोल के दर्पण के बीच, यानी कि फोकस एवं दर्पण के बीच अगर रखी गई वस्तु, अगर फोकस और दर्पण के बीच अगर वस्तु रखी गई है, एकमात्र ऐसी कंडीशन है, इन सभी मामले में वस्तु उल्टी बनती है, इन सभी मामले में वस्तु उल्टी बनती है, अपोजिट बनती है, नीचे की ओर बनेगी जाकर के। लेकिन एकमात्र ऐसा मामला है जब वस्तु को रख दोगे फोकस एवं पोल के बीच में, दर्पण के बीच में, तो वस्तु जो है वो दर्पण के पीछे बनती है, एकमात्र ऐसी कंडीशन है। और अक्सर यही वाला पूछ लेता है, दर्पण के पीछे बनेगी, और जब दर्पण के पीछे वस्तु बनती है, इमेज बनती है जाकर के, तो वो हमेशा सीधी बनती है, वस्तु कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। ये कंडीशन है छह। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यदि वस्तु अनंत पे रखी जाएगी तो उसकी इमेज बनती है जाकर के फोकस पे, यदि अगर वस्तु फोकस पे रखी जाएगी तो उसकी इमेज अनंत में बनेगी, यदि वस्तु सेंटर पर रखी गई है तो इमेज सेंटर में बनेगी, यदि वस्तु सेंटर के पीछे रखी गई है तो सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, और वस्तु अगर सेंटर और फोकस के बीच में रखी गई है तो सेंटर के पीछे बनेगी जाकर के, यदि वस्तु को फोकस और दर्पण के बीच में रखा गया है तो दर्पण के पीछे बनेगी, एवं एकमात्र ऐसी कंडीशन जहां सीधी बनेगी। गोली दर्पण से बनने वाले जो प्रश्नों में से अवतल से ही आता है, और ये सारी कंडीशन यहां पर क्लियर हो चुकी है। उत्तल दर्पण वाले मामले में देख लीजिए, एक लाइन में क्लियर हो जाएगा उत्तल दर्पण वाला मामला, और यहां से हमारा परावर्तन क्लियर हो जाएगा। उत्तल दर्पण वाले मामले में अगर आप जाते हैं तो यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, जो उत्तल दर्पण वाला मामला है, इस वाले मामले में वस्तु को कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, एक तो केस बनेगा वस्तु अनंत में रखी गई है, और अनंत में अगर रखी जाएगी तो हमेशा फोकस बनती, कहीं भी मामला हो, एक तो ये केस है, दो ही केस हैं, यानी कि इसका फोकस आपका एफ ये हो गया और से बन गया। अगर वस्तु कहीं रखी गई अनंत में, ये मामला क्या है, अनंत वाला है, अनंत का है, तो वस्तु की जो इमेज बनेगी कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी पहली चीज। और इसके अलावा इस प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं भी रख दो, अनंत के अलावा कहीं भी रखोगे, अनंत के अलावा, दूसरा केस क्या है, अनंत के अलावा कहीं भी रखो,
इमेज जो हो हमेशा बनेगी कहां, दर्पण एवं फोकस के बीच, दर्पण एवं फोकस के बीच। फिक्स है, दो ही कंडीशन है, अनंत में रखी होगी फोकस से बनेगी, और प्रिंसिपल कहीं भी रखोगे इसके अलावा दर्पण एवं फोकस के बीच बनेगी, और दोनों ही मामले में हमेशा सीधी बनती है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान है, सीधी बनेगी। और इस प्रकार हमारा परावर्तन का पूरा टॉपिक समाप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।